नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे पुतला तंत्र के डेंजरस एस्पेक्ट्स के बारे में कि कैसे खतरनाक हो सकता है पुतला तंत्र। अब इसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी महाकाली वेदी हीलिंग शेल्टर यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है कि पुतला तंत्र क्या होता है, कैसे प्रयोग होते हैं, तो उन सब डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊँगी। मैं पॉइंट वाइज कुछ बात करना चाह रही हूँ, कुछ डेंजरस एस्पेक्ट्स जो उसके हैं उसके बारे में, ठीक है। अब पुतला मतलब सब समझते हैं, पुतला मतलब एक डॉल बना दी जाती है जिसमें जिसको डिपिक्ट किया जाता है तुम्हारी एनर्जी से, मतलब चाहे तुम्हारा कोई कपड़ा पहनावा मिल जाए, तुम्हारा नाखून मिल जाए, तुम्हारे बाल मिल जाए, कोई भी तुम्हारी फोटोग्राफ फॉर दैट मैटर मिल जाए, तो उसको भी जो है तुम्हारी एनर्जी लेवल और वाइब्रेशन क्योंकि तुम्हारी ही है इन सब चीज़ों में, तो उसका फिर जो है प्रोसेस से डॉल बना दी जाती है। और उस डॉल को जिस तरीके से फिर वो ऑपरेट करेंगे, जिस तरीके से वो हैंडल करेंगे, वो सब चीज़ें तुम ऑटोमेटिकली करोगे। यस, सुनने में बहुत डेंजरस लगता है लेकिन ये सच है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच में चीज़ें होती हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं होती हैं, वर्ल्ड वाइड, US, UK, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, मतलब एवरीवेयर, ये पूरे वर्ल्ड में ये सब जो है ये ब्लैक मैजिक की ईविल प्रैक्टिसेस फैली हुई हैं, क्योंकि गलत करने वाले इतने ज़्यादा हो गए हैं कलयुग टाइम्स में कि अब ये देशों तक सीमित नहीं रह गया। हम लोग सोचते हैं इंडिया में ही सिर्फ है, हम अंधविश्वासी हैं शायद, ये नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तुम कितने भी ग्लोबली, हम लोग के पास जितने भी क्लाइंट्स हमारे हैं मोस्टली इंडिया से बाहर के फॉरेनर्स क्लाइंट्स आते हैं, इंडिया से ज़्यादा बाहर के लोग इस चीज़ों से परेशान हैं। हॉन्टेड जगहें हैं, हॉन्टेड घर हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, पोजेशंस हैं, बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो और जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो जाके इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। खैर, टॉपिक में वापस आते हैं। तो क्या होता है कि अब तुम्हारे, अगर मैं तभी बोलती हूँ जो तुम्हारा बाल है, नाखून है, कई बार क्या होता है लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको मत होने दो, उसको जला दो। जो तुम्हारे अगर बाल भी झड़ते हैं, कुछ होते हैं, तो जो ऐसी ताक में होंगे तुम्हारे दुश्मन, वो घर में किसी ना किसी को, मे बी तुम्हारा मेड हो गई, तुम्हारा डोमेस्टिक हेल्प हो गई, या फॉर दैट मैटर तुम्हारा कोई रिलेटिव हो गया, या तुम्हारे कोई जानने पहचानने वाला हो गया, उसके थ्रू उस चीज़ को मंगवाना, या अपने पास कर लेना, या तुम्हारी फ़ोटो के थ्रू, इन सब माध्यमों के थ्रू तुम्हारी उस एनर्जी को टैप इन कर लिया जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो भी वहाँ पे ये चाहेंगे वो तुम करोगे। अब वो डेंजरस एस्पेक्ट्स क्या हैं, पहला देखो, तुम जहाँ ट्रैवल करोगे, तुम जहाँ जाओगे अपने पैरों से चल के, या कहीं भी गाड़ी में भी जाते हो, तो वो जगह, वो डायमीटर, वो एक GPS सिस्टम जैसे होता है ना, साइंटिफिकली अगर समझाऊँ, जैसे तुम लोग गाड़ी में एड्रेस डालते हो GPS में कि हमें यहाँ इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है ना, तो वो पहुँचाती है ना, अगर तुम्हें रास्ता नहीं भी पता होता तो वो रास्ता तुम्हें दिखा के GPS पहुँचाता है। इसी तरीके से इट्स अ ट्रैकिंग डिवाइस, यू बिकम अ लाइव ट्रैकिंग डिवाइस फॉर दैट पर्सन दैट वेयर यू गोइंग, कि तुम एक लाइव जीवित ट्रैकिंग डिवाइस बन जाते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो सब पता चलता है। पहले तो ये चीज़, अब सोच लो कितना डेंजरस है कि अगर तुम अपना कहीं इलाज कराने जाते हो, किसी कहीं कहीं भी जाते हो अपने क्योर के लिए, कैसे तुम्हारा वो क्योर होने देंगे जब वो जगह ही उनको पता चल जाएगी। इनफैक्ट जो क्योर कर रहा है उसकी भी जान आफत में और खतरे में, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डेंजरस हो सकती हैं, तुम कहीं जा रहे हो तुम्हारा एक्सीडेंट कराना, या फॉर दैट मैटर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, अगर लग रहा है कि हमारे साथ कोई चीज़ है, तो मंदिरों को विजिट करो जो हमारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, क्योंकि उससे तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा, रास्ता खुलेगा। यस, मैंने बोला था, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि अगर तुम्हारा पुतला तंत्र डायग्नोस हो गया है तो बिना तुम उसका कुछ प्रोटेक्शन या प्रिकॉशन कराए तुम चल पड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा जाना भी जो है ना वो होने ही नहीं देंगे ढंग से। और अगर तुम वहाँ जाओगे भी तो, क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है तो कैसे तुम्हारी वो चीज़ सफल भी होने वाली है, पूरी वो पूरी तरह से सफल नहीं होने वाली है। पहली बात, तुम्हें दिमाग ही तुम्हारा बदल सकता है कि और कराने से पहले कि नहीं मैं नहीं कराता, नहीं कराती, अभी रुक जाता हूँ, रुक जाती है, बिकॉज यू आर गेटिंग ऑपरेटेड, ठीक है। सेकेंडली, ये तो हो गया कि तुम जहाँ जा रहे हो वो पता होना। अब दूसरी चीज़ ये आ गई है कि अगर तुम्हें कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग, मतलब तुम्हारी उस एनर्जी को टैप इन करके अगर तुम्हें घर से एकदम से बाहर निकलवाना चाह रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। यू नो, सडनली तुम सो रहे हो, तुम उठोगे एंड यू विल बी लाइक, ओ माय गॉड, वेयर एम आई वॉकिंग, यू नो, या सडनली तुम कहीं जाने लगोगे और ताले खोलते हुए भी बाहर निकल जाओगे। और ये सब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सच चीज़ें बता रही हूँ जो हुई हैं। इसमें मैंने अपनी किताब में भी इन ट्रू स्टोरीज़ के बारे में लिखा है
ठीक है, और कुछ लोग जानना चाहते थे कि आप अपने बारे में कुछ दीदी बताएं, तो कमिंग अप वीडियोस में मैं वो बताऊंगी कि कैसे खुद ब्लैक मैजिक विक्टिम जो है, आई वॉज अ ब्लैक मैजिक विक्टिम, उसके बारे में भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। इनफैक्ट वो मैंने किताब भी लिखी है, कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इन टू अ स्पिरिचुअल हीलर, जिनको शौक है वो जाके उसको पढ़ भी सकते हैं, ले सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा जो ब्रीफ है वेबसाइट में भी लिखा हुआ है मेरे बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये खुद भी फेस की हुई है मेरी, तो इसलिए मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रही हूँ जो बुकिश नहीं है, जो प्रैक्टिकल उसमें जब इंसान महसूस करता है और जो चीज़ें उसको एहसास होती है ना, वो वही इंसान बता सकता है जिसने भुगता होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ ये चीज़ें होती हैं, और जिसके साथ होती हैं ना उसी को पता है कि वो किस मुसीबत से गुजरता है। ओके, सुसाइडल थाट्स आने, अगर उस पुतले में हल्की सी पिन चुभाई तो तुम्हें दर्द होगा, उसका हाथ मोड़ा तो तुम्हें होगा। ये सिर्फ पिक्चरों में जो दिखाते हैं, ये नहीं है कि आज के टाइम पर हम इतना मॉडर्न हो गए हैं, तो ये सब हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। दूर बैठा कोई इंसान भी तुम्हें ऑपरेट कर सकता है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जब हम पॉजिटिव एनर्जी दूर से फील कर सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी के बारे में हमारे दिमाग बंद क्यों हो जाते हैं, तब हम अनपढ़ क्यों बन जाते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ क्यों बन जाते हैं। जब पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करने में, या नेगेटिव एनर्जी होती है उसको एक्सेप्ट करने में हम पढ़े लिखे गंवार क्यों बन जाते हैं, ये कभी सोचो इस बारे में। और जो मैं बोल रही हूँ उसको जाओ स्टडी करो, रिसर्च करो, तुम्हें इसके जो मॉलिक्यूल्स मैं बता रही हूँ ना उसको एक्सपैंड करके फिर पता करो, अवेयर करो। ये वीडियोस मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि तुम लोग इसके बारे में स्टडी कर सको। जिनको ये प्रॉब्लम है, एकदम से जो मैं बोल रही हूँ उस पर बिलीव ना भी करो, इसके बारे में रिसर्च करो, इसके बारे में और पता करो कि क्या होता है, क्या गुरु दीदी बोल रही हैं, तो तुम हैरान रह जाओगे कि गुरु दीदी ने तो बहुत छोटी चीज़ें बताई हैं, जब इसके डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो पुतला तंत्र अगर तुम्हारा है तो होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसे ही कहीं मत चले जाना मुँह उठा के, अननेसेसरी फंस जाओगे बहुत ज़्यादा, ओके। और किसी के भी बहकावे में मत आना जो ये बोले अरे कुछ नहीं होता, चल तू हमारे साथ चल, उसे कुछ नहीं होने वाला, होने वाला तुम्हें है, तुम्हें समझदारी से चलना है। इसके बारे में पढ़ो, आर्टिकल्स मिलेंगे तुम्हें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो पढ़ो इस चीज़ में, तुम्हें ज़रूर इसके बारे में डिटेल्स मिलेंगे, ओके। और फिर उसी तरीके से अपना मूव करना, उसी तरीके से अपना डिसीजन लेना, और उसी तरीके से डिसाइड करना कि अब क्या करना है, ओके। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीक मैं फिर मिलूंगी, तब के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।